जाएगा धोखा दे जाएगा, इनमें से बनाऊंगा संवारूंगा, इनकी जिंदगी संवारूंगा, इनको ठीक करूंगा, और फिर ये धोखा देते जाएंगे, रिसीव करते जाएंगे। यहीं बैठ के रिसीव कर देते हैं गद्दी पे, समझते ही नहीं है, अब समझते ही नहीं है। ये सोचते हैं दो दिन के अंदर तुम्हें पता नहीं क्या मिल गया, 16 साल से बीमारियाँ थी, 20 साल से बीमारियाँ थी, वो याद नहीं रहती है तुम्हें कि हम इतने साल के बीमार थे, हमारा सब कुछ ख़त्म था। फिर ये रहता है कि हमने कितना पा लिया, हमने तो इतना पा लिया जैसे आसमान छू लिया हो। होता है कुछ नहीं है हाथ पल्ले, अगर होता है कुछ नहीं है हाथ पल्ले, हाथ पल्ले कुछ होता है। अरे मंत्र क्या होता है इसी की परिभाषा नहीं पता है। और मंत्र से मन का त्राण कैसे होता है, इसके बीच में कितनी प्रक्रिया है, कितने आयाम है, किसको पता है? ज्ञान वस्तुतः है क्या, साधना वस्तुतः है क्या, भगवान वस्तुतः है क्या, बताइए। जिसने नहीं देखे उसके लिए क्या है? एकमात्र इंसान है ये पृथ्वी का इंसान, एकमात्र हल्की सी तरंग से 2 बार सर घुमाने से ये सोचता है मैंने हनुमान जी को पा लिया है। मैं उस हनुमान जी को कोई मुस्लिम मुल्ला बंद करके एक डब्बी में पैक कर देता, ले ये तेरा हनुमान जी बंद कर दिया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरे अंदर माता आ रही है, और माता को काली को कोई बंद कर लेता है। अच्छा मेरी गति 20 साल से चल रही थी और अब 20 साल से ही बंद है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फिर गति कहाँ चल रही थी, 20 साल से चल रही थी, क्या लेके घूम रहा था भाई भाई, जब तेरी चीज़ ही बंद हो गई तो लाखों की चीज़ निकाली मैंने। अरे बंद हो गई, वो तरंग मात्र ही तो है, कुछ नहीं है, एक तरंग मात्र है। किसी को वो अंदर ही अंदर आ जाती है, किसी को वो बाहर हो जाती है, बाहर हो जाती है, कोई शरीर का सहारा लेके खेल लेता है उसका सहारा है क्या? अगर उसने सही से एक छोटे से देवता को भी पाया होता तो उसकी तरंग को कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। ठीक है ना, पाना जानते हो, खोना ही खोना जानते हो। जहां सत्य बढ़ता है वहां का द्वार नहीं पकड़ना, और जहां असत्य ही असत्य वहां का द्वार पकड़ लेना। ये भी नहीं सोचते कभी ये आदमी मनु भैया के पास सीख के गया था, उसके यहाँ जाके भीड़ लगा देते हो ऐसे जैसे वो अब तुम्हें सारी दौलत दे देगा। अब भाई वाह, तुम्हारे दिमाग की बत्ती कूल हो रही है। ये नहीं देखते मनु भैया कभी किसी का लेते नहीं है, देते ही देते हैं हमेशा, जो देने वाला है वो लेगा क्या, तुम्हारा क्या ले लिया बताओ? यहां पे बैठे किसी भी आदमी ने 10,000 रुपए कैश दिए शनिधाम में, हाथ उठाए जरा, आपने 10,000 रुपए दिए? नहीं है ना कोई भी। और क्या है, 4,000 रुपए। मेरे को कोई भी आदमी ये बताए किसकी भी समस्या 1 करोड़ रुपए से कम की है, बोलिए, क्योंकि तुम घिसट लिए हो इतने और तुम्हारे लग रहे हैं और आगे लगते रहेंगे अगर यहां नहीं रहोगे तो, बताओ मेरे को। अरे गौर करो आपकी चीज, आप कितनी महंगी चीज लेके आते हो, मनु भैया कितने कम पैसे में उसका काम करते हैं। वो पैसे क्यों लिए जाते हैं, तुम्हारे मंदिर में लगा रहा हूँ, तुम्हारा कार्य संभाल रहा हूँ। ठीक है, दुनिया ने सोचा मनु भैया ने कमा लिया, मैंने ब्याज लिया है केवल, किसका, अपनी मेहनत का। और कौन सा ब्याज लिया ध्यान से सुन लो, ठीक है, भगवान के लिए 2 छोटे छोटे प्लाट लिए, बाद में उसकी जमीन ले ली, अब आया समझ में बेच के, अब तुम समझ लो, तो उसमें जो बचा था उसका मैंने घर बना लिया, उसी में बच्चे पाल लिए, उसका क्या लिया, ना मैंने इसका लिया ना तुम्हारा लिया, आया ना समझ में। तुम्हारे भार इतने तुम्हारे सरों से टाले हैं मैंने उतार उतार के, तुम्हें तो यही नहीं पता तुम्हारे ऊपर कितने भार चढ़े हैं। एक ऋण नहीं उतरता आदमी से पूरी जिंदगी, पितृ ऋण प्रेत ऋण है, इसको उतार नहीं सकता दुनिया में कोई माई का लाल धीरे से, आया ना समझ में। इसलिए घिसटते फिरते हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से आपके शरीर के अंदर घुस जाता है, कभी निकल ही नहीं पाता, जोर मार रहे हो 20-20 साल से, ठीक है, अभी 10-20 बार आने में जोर पड़ता है। आप ही जाते हो तो शनिवार इतवार ही पकड़ते हो, भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे, ये भी तो बता दो मुझे, मानोगे कि नहीं मानोगे? मानेंगे। अब देखो कितना भार मेरे जिम्मे है, फौजियों का भार मेरे जिम्मे है कि नहीं, है कि नहीं, पुलिस वालों का भार मेरे जिम्मे है, अब नेताओं का भी आ पड़ा, कल से वकीलों का भी आ पड़ा, आया ना समझ में। पहले भी क्या तो क्या आते थे, अब वे भी खुल खुल के आने लगे, जजों का भी आ पड़ा, नहीं है कि नहीं है। हर आदमी ये सोचेगा ऐसे मुझे एकांत मिले, एकांत का समय मिले, समय है नहीं। जब मुझे मेरे बच्चों के लिए समय नहीं मिलता भाई, तो ये बताओ फिर उनके लिए समय कहाँ मिलेगा बताओ। अभी एक भारत के बहुत बड़े ऑफिसर आके
दो दिन यहाँ रह के जा चुके, मुझे समय नहीं मिला, मैं क्या कहूँ उसको कि भाई मेरे पास समय नहीं है। वो कहेगा जी हम तो यहाँ इतनी दूर छोड़ के आ गए गुजरात से, आपने हमें समय नहीं दिया। अब उसको थोड़े ही ना पता है मनु भैया की क्या मजबूरी हो रही है, किसी को थोड़े ही ना पता है कि मैं सवेरे लगता हूँ रात तक एक ही काम नहीं निपटता, और उसको हर प्रकार से निपटाने की कोशिश करता हूँ, फिर जवाब दे ही ढूंढता हूँ। तुम ही कल को आके मेरे तमाचे मारोगे, हालांकि तुमने दिया कुछ नहीं है मेरे को, जो दिया उसी को दिया, और इसलिए मैं कहता हूँ ले भी जाओ अपना। तो पर्ची दिखा के दो चार तो ले ही जाते हैं, ठीक होने के बाद भी ले जाते हैं पर्ची दिखा के वापस। आपको पता ही नहीं दुनिया में ऐसा कोई धाम नहीं, ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं जिसको आप ढूंढ लोगे, जिसने इतना काम किया हो। पैदल कोई भी चलाओ, आराम से कोई भी चलाओ, लेकिन मेहनत का काम तो सरदार जी से पूछ लो, कोई नहीं करता। दो चार दिन सरदार मेरे जितना काम कर लेता है, गिर पड़ता पीछे की तरफ, गुरु जी मैं तो गया, पूछ लो। तो होता है ऐसे, मेरी अभी इतनी हैबिट नहीं है, गुरु जी को पहले से ही हैबिट है भाई। और एक बात है ना, फिर जिसको हैबिट डालने की कोशिश करता हूँ, दिन रात काम करता है, वही नजर चुराने लगता है। एक भैया 6 महीने पहले से कहने लगे थे कि या तो काम ज्यादा होता है, काम ज्यादा होता है। अरे गद्दी पे बैठ के ही सो जाते हैं लोग जो आपकी सेवा करने आते हैं, मैं तो क्या बताऊं, सेवा की सो जाते हैं गद्दी पे बैठ के, मैं कहाँ सो रहा हूँ भाई। तो मैं 24 घंटे मिलता हूँ, कल 1 घंटा आराम किया होगा, उसमें भी 5 महिलाओं ने दरवाजा खोल के ये कहा अच्छा खाना खा रहे हो। एक तो आके बोला मेरी पत्नी गायब होगी, ढूंढ के तो वेट ही नहीं कर सकता, मुझे आपकी वेट से कोई लेना देना नहीं है। मैं वेट नहीं कर सकता, नू बोला मेरी आके मेरे अंदर आके नू बोला मैं खाना खा रहा हूँ। मैंने कहा भाई जरा सा आराम कर लूँ, 5 घंटे लगातार बैठ के आओ नहीं किया बिना हिले। तब अंदर आके कह रहा मेरी पत्नी ढूंढ रहे यहाँ से गायब हो गई। अरे भाई तुम अच्छा आदमी, मैंने कहा रिपोर्ट कर दे। बोला रिपोर्ट नहीं करो। आखिरकार मैंने उसको ये कहना पड़ा, खड़ा हूँ ना तो इतने जूते मारूंगा, चला जाए यहाँ से। बताओ ये मेरी भाषा थोड़ा ही ना, ये मेरी भाषा है नहीं है मेरी भाषा भाई, मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन दारू पी रहा है यहाँ के खड़ा हो गया। अब निकालने वाला कोई है नहीं, और हमारे लड़कों में इतनी समझ है नहीं कि इसको बाहर से बाहर पकड़ो, बाहर भेज दो। अरे भाई रोटी खा रहे हैं, भैया को भी आराम चाहिए 2 मिनट, ठीक है। अरे वे मेरे से रखे नहीं जाते, क्या बोलते हैं उसको, 4-6 बाउंसर रखे नहीं जाते मेरे से। मेरे पास इतना पैसा है नहीं, जो है वो भगवान का है, मैं अपना वो रखता ही नहीं, इसलिए मुझे कभी अभिमान भी नहीं आता, ठीक है। और लोगों को अभिमान पे अभिमान चढ़े जाता है यार। तो मैं क्या बताऊँ, इस गद्दी में बैठ के कोई ये भी देख लेता है ना आके, इसके पापा का नाम रणबीर है, उसको भी अभिमान आ जाता है, पता नहीं सिस्टम ही ऐसा। मैं शनिदेव महाराज से कहता हूँ भाई काम आदि मध्यम विस्तारा देव चला लगा, लेकिन मैं ही कहता हूँ जो यहाँ बैठने वाले हैं वे कह ही नहीं पाते। अब एक लड़के पे उम्मीद है गौतम भैया पे, शायद इसको अभिमान ना आए कभी, हंस के दिखा रहा है अभी तो, बाद में आ भी सकता है क्यों सरदार जी, मेरे को कहा तो कुछ नहीं जा सकता, मेरे को तो नहीं आएगा जी। तुझे भी आ सकता है, ये किस बात का जी, 3 फोन का 1-2-3 नहीं आ सकता, ऐसी चीज। खैर मेरी बात का बुरा नहीं मानना, अब आप आ गए हो तो स्वागत है आपका शरीर। मेरे को गुस्सा तो आ सकता है, अभिमान नहीं। और मैं हर बार यही कहता हूँ, सिर भी पटकता हूँ, लेकिन तुम लोग मानते नहीं है। नहीं, तुम्हें ना मानने की बीमारी है और मुझे करने की बीमारी है, दोनों की बीमारी तो साथ साथ चलेगी ना, ना मानने की भी और करने की भी। भाई अब तुम आ गए तो मुझे करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी ये बात है, लेकिन मैं काम को खुश होके करता हूँ। हाँ जी, वो पछताता है नहीं, पछताता इसलिए है ना, हाथ पल्ले कुछ रह नहीं जाता, फिर समझ में आता है अगर मैं सही जगह था, सही गति पे बैठा था, अभी और 10-20 साल काम कर लेता साथ में मिल के तो बहुत कुछ हो जाता। लेकिन दुनिया जान लेती है, 10-20 लोग जान लेते हैं, 10-20 फोन आ जाते हैं। अरे भाई तुम ये तो समझो, वो तो उनको भी आ जाते हैं जो मनु भैया बन के नकली काम करते हैं। अब एक माता जी थी तो यूपी की, और ठगी गई एक लड़के पे, उस किसी मंगतू राम ने 46,000 रुपये ले लिए ऑनलाइन, 47,500 मनु भैया बन के, मंगतू राम ने, बताओ मंगतुराम कितनी बड़ी बात है कि 46,000 से 47,000 रुपए मंगतुराम। मेन बात ये है, 30,000 रुपए एक ही साथ पेटीएम से भेज दिए, बताओ। अरे मैंने कहा बहन जी कभी मनु भैया ने इतने पैसे मांगे हैं? एक यहाँ बैठा हुआ 6 महीने
गुजारा करना है। उसने 6 महीने पहले एडवांस तनख्वाह दे दी, उस तनख्वाह को उतारने के लिए मैं तो कभी उसका सहारा लिया नहीं, क्या बोलते हैं, मैंने कभी इसका सहारा लिया। आप लोग आए फ्री में चेकअप कराइए, क्या पता किसी को ना हो, आपने चेकअप कराया मैं आपसे पैसा ले लूं चेकिंग कराने का, और किसी के पास चीज ना हो किसी को तो मैं क्या बताऊं। भाई तुम्हें तो कुछ नहीं है, इस बात के मैंने 500 रुपये ले लिए, ये तो कमाल की बात हो गई। ठीक है, फिर भारत में पैदा होने का, फिर तो किसी और कंट्री में पैदा हो जाते, भारत में पैदा होने की महत्ता क्या है? हम सनातन धर्मी हैं, जरूरी है हमारा पैसे से पेट भरे? पैसे से पेट भरता है क्या? तो फिर हर चीज पे टैक्स लगा देंगे क्या? तो चेकिंग हमेशा से फ्री में रही, लेकिन उसको पचा नहीं, 6 महीने की एडवांस तनख्वाह जाली तो उसको पचा नहीं कि मैं तनख्वाह उतार के पिछले, क्योंकि पिछले एक साल से यही सोच रहा था कि मैं किसी तरह अपना धाम खोलूं। ये हर्ष भैया की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें सर, मैं अपना धाम खोलूं, यहीं बैठ के गद्दी पे सोने लगा, काम में आलस्य पैदा करने लगा। ठीक है, वो तो मेरे कहते कहते जिद करते करते 2 बच्चे प्यार मैंने उससे करा दिए, क्योंकि मुझे इतना समय अब मिलता नहीं, ये तुम्हें भी पता है कि भाई इतना समय नहीं मिलता किसी तरह। तो फिर अपना वो पैसा उतार के गया ये कह के कि भाई मैं मंदिर के लिए दे रहा हूँ। चलो मैंने तो मंदिर में ही लगाना था, मैंने तो इस बात को ही और रख लिया कि मैंने तो इसको मंदिर में ही लगाना है, तुझे दे दिया तो क्या। एक भी दिन बंदा फ्री काम नहीं करता, एक भी दिन कोई ये सोचे फ्री काम करता है। 1.5 से 2.5 साल लगे मुझे उसको ठीक करने में, रातों रात बैठ के, सारी दुनिया जानती है, लेकिन फिर आदमी ठीक होने के बाद यही भूल जाता है, मुझे बुखार भी चढ़ा था। ठीक है, फिर धाम के नियम नहीं जानता, यहाँ बैठ के गद्दी में मेरे साथ कहता था पितरों की पूजा मत करना, अब कहता है पितरों की ही पूजा करना। अरे भाई 46 पितर तो मैंने तेरे अंदर से काटे हैं, मैं सरदार जी फोन दे दे तो अभी 36 का 38 का नाम गिना दूंगा, 38 40 का। ठीक है, और प्रेत तो ना जाने कितने अनगिनत आए, और उन्हीं देवताओं को लेके आए जो तुम्हारे अपने थे, और तुम 16 साल से कहीं ठीक नहीं हो रहे थे, तुम्हें आराम क्या मिल गया, तुम पता नहीं क्या सोचते हो अपने आप, जैसे सारी सिद्धियां तुम्हारे घर की थी, ये पहले भी थी, जब पहले भी थी तो बंधन में क्यों थी? आज तुम्हें काली माता का इतना अभिमान हो गया कि मेरी काली माता तो शनिदेव को हाथ के नीचे रखती है, गद्दी पे बैठ के इतना अभिमान करते हैं। अब मैं तो छोटे से शनिदेव का भगत हूँ, फिर कैसे सबकी काली माता है और सारे क्या कहते हैं वो छुड़ा छुड़ा के मंगा देता हूँ 20-20 साल पुराने, नहीं समझ में आती। फिर यही भूल जाते हैं, गद्दी की मर्यादा ही भूल जाते हैं, उपमा ही भूल जाता है, ये पता नहीं कहाँ से बल आ जाता है, कहाँ से अभिमान आ जाता है। ठीक, लिख लो मनु भैया ने आज तक किसी का कुछ नहीं रखा, ना रखता हूं मैं, क्योंकि किसी ने अगर भेज दिया और उसको लगा उसका काम नहीं हुआ, फिर भी उसके घर से 10 प्रेत सटका दिए मैंने, उसके घर की बहुत सारी चीजें सटका दी मैंने, अगर किसी ने 1 रुपया भी भेजा तो उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर मलिनता का अंश आ गया, निगेटिविटी आ गई। ठीक है, क्योंकि ना मैंने लिया, और जिसने लिया उसने सबको तत्काल दिया, उसने किसी का रखा नहीं। बोलो जय शनिदेव। ना मेरा देवता रखता है, ना मेरा देवता रखता है। सरेआम एक बात कहता हूँ, एक बार सोया हुआ था, एक सपना आया कि वीरेंद्र सहवाग को अब भारत की टीम से कोई नहीं निकालेगा, क्रिकेट की टीम से। क्या सपना आया? क्रिकेट की टीम से, भारत की क्रिकेट की टीम से कोई नहीं निकाले। फिर उसने 77 रन मारे, फिर वो टीम में वापिस शामिल हो गया, जबकि वो खेल नहीं पा रहा था, खत्म हो गई थी। जिस मंदिर में सपना आया उस मंदिर की पहली ईंट ही वीरेंद्र सहवाग ने रखी। इसका मतलब भगवान किसी का लिए का नहीं देते ना, उसी दिन दिमाग में रख लिया कि अगर किसी ने 1 रुपया भी भगवान के लिए खर्चा है तो वो कभी भी अपने पास उसको रखते नहीं है, उसका प्रतिकार उसका प्रतिफल जरूर देते हैं, यानी कि उसका रिवर्स जरूर आपको। तो गद्दी की मर्यादा होती है, गद्दी पे बैठो, लोगों से प्रेम से बात करो और उनको ठीक करने के उपाय ढूंढो। आपको अभी पता नहीं, आपने अभी पूछा नहीं है कि यहाँ गद्दी पे बैठ के आपने जिसको ये कह दिया भाई तू ठीक हो गया और ताली बजवा दी, वो अभी बीमार है, उसको मनु भैया ने पीछे और दम लगाना। आप सरे आप ये बात कहते हो कि मैं तो 3 से 4 बार से फालतू किसी को बुला नहीं सकता, ठीक हुआ ठीक, हमारे यहाँ पंजाब का न्योता है ये, और बीमार हुआ तो बीमार। जब आप बिना लोभ के कोई काम करते नहीं हो तो शनिधाम में थोड़ा ही ना आपने किया हो, सारी दुनिया जानती है, उल्टा यहाँ के लोगों को बिगाड़ और देते हैं, कोई ना कोई तस्वीर उनकी बदल देते हैं, किसी से कोई पूजा करा देते हैं, किसी से कोई पूजा करा देते हैं, बाद में उन बच्चों को कुछ हासिल होता नहीं है और फिर वो तड़पते फिरे जाते हैं। मैं शिकायत नहीं करता, लेकिन मैं बताता हूँ कि आपका अभिमान इतना सर चढ़ के दो, और फिर इतने अभिमानी हो जाते हो कि उसका कुछ था ही नहीं है,
अंततः होता क्या है भाई, 10-20 लोगों को देख लोगे समाज में, इतना ही तो काम करोगे, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ इतना अनुभव मिल रहा है, आप सवेरे से शाम तक चेक करो। अब ये निखिल भैया है, ठीक है, ये गद्दी की मर्यादा है। पहले इस गद्दी पे जब वन देवी आई तो यहाँ तक का पता चलता था कि आपके अंदर प्रेत ही प्रेत है, प्रेतों का पता चलता था। फिर गद्दी जब बढ़ती चली जाती है उसका समय हो जाता है, जब ये 100 साल की गद्दी हो जाएगी यही शनिधाम वाली, तो फिर यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें बताई जाएंगी जो दुनिया में कोई सोच नहीं सकता। जितने साल दर साल बढ़ते रहेंगे, ये गद्दी की मर्यादा है। गद्दी पे जो भी नमन करके बैठेगा उसकी वाणी पूरी होती रहेगी और उसको नई नई बातों का पता चलता है। तो वंदे भी आपकी घर की चीजों को बताती थी, आपकी कुछ कुछ बता देती थी, आपके चाय की पत्ती पे डिब्बे पे क्या छपा है वो भी बता देती थी, आगे ना आपके घर में कहाँ कहाँ प्रेत खड़ा है ये भी बता देती थी, आपके शरीर में क्या क्या लक्षण है वो भी बता देती, और आपके गुप्त रहस्य बता देती। वो हर साल धीरे 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 बढ़ता जाता है। आप इसको अपनी उपज समझ लेते हो, आपको पता नहीं है शनिधाम के दूत हैं, ये आपकी ही भाषा बोलेंगे, आपको लगेगा मेरी बजरंगबली की सिद्धि है, तो ये बजरंगबली ही बन के आपके पास आएंगे, क्योंकि धाम के पास सारी सिद्धियां मौजूद है। कभी से मैंने कोई मंत्र नहीं छोड़ा, कोई देवता नहीं छोड़ा, ठीक है, और कम से कम 5 से 6 देवता जो पृथ्वी लोक पर पूजे जाते हैं उनके साक्षात दर्शन किए, जिसमें बजरंगबली महाराज, शंकर भगवान, शनिदेव महाराज के बार बार दर्शन किए और राहु देवता के दर्शन किए। इसके अलावा बहुत सारे लोक नहीं छोड़े, ठीक है, जमीन पे बैठ के ऊपर देखता रहा, आया समझ में। लेकिन इन सबका क्या अभिमान है भाई, अंततः तो रहना पृथ्वी लोक पे है, तो कोई अच्छा काम करके जाना है, कर्म फल अच्छा करके जाना। दो ही प्रकार के देवता होते हैं, आजान भाऊ और कर्म धनी। जो कर्म करके देवता बनता है वही मूल में देवता है। आजान बाहू का भी कभी ना कभी खात्मा हो जाता है और कर्मजन्य का भी कभी ना कभी खात्मा हो जाता है। माया है, महा ठगनी है, ये किसी भी तरह आपको ठग लेगी। एक हल्की सी तरंग मिलते ही आदमी फूल के कुप्पा हो जाता है, मेरे अंदर हनुमान जी आते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को मुंह फुलाते हुए देखा और हाथों को यूं करते हुए देखा। कल भी एक लड़का आया था, आपने उसका देखा था कि उसमें नरसिंह आता था, सारी सृष्टि को जैसे अभी खत्म कर देगा, वही भाव होता है ना, इतनी सी मामूली सी तरंग का भी, ठीक है ना। लेकिन फिर अगुस्तांत्रिक ने मेरे ऊपर अगर यो ना छोड़ा होता तो मैं ये कर देता, ये ना होता तो मैं ये कर देता। ये छोटी छोटी बातें, इन पे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए और इनका कभी आपको अभिमान नहीं होना चाहिए। मूलतः फिर एक बात कहता हूँ, पितृ ही प्रेत है और वो पितृ हमेशा मलिन है जो पृथ्वी लोक पर है। वो साफ होके भी कभी ना कभी मलिन हो जाता है, क्योंकि ये माया है और यहाँ पर जो वायु घूमती है वो कुपित वायु है। इसलिए हमारे सबके विचारों में अगर 30% शुद्धता है तो आप देखेंगे 70% अशुद्धता है। वो 70% विचार शुद्ध नहीं है। जब वो 70% विचार शुद्ध होंगे और 30% अशुद्धता रहेगी तब तो तुम्हारा मानव जीवन होगा, और जब 100 के 100 शुद्ध होंगे तब तुम्हारा आत्मीय जीवन होगा, प्रभु का दिया जीवन होगा। बोलिए जय शनिदेव, जय शनिदेव। इस बात को कौन कौन समझ पाया, हाथ उठा पाए, जो मन की मेरी बात समझ पाए कि जब मन में ऐसा होगा तब 70% शुद्धता होगी और न्यूनता 30% होगी, मलिनता की जो है वो 30% की कसौटी होगी, तब आप मानव जीवन जीते हैं। और जब 100 के 100% शुद्ध होते हैं तब आत्मीय जीवन जीते हैं, तब भगवान का जीवन जीते हैं, भगवान के पुत्र होकर रहते हैं। बोलिए जय शनिदेव। अब आज का काम सुचारू रूप से करते हैं, और सुचारू रूप से क्या करते हैं कि जो लोग पुराने हैं पुरातन हैं, पहले तो उन लोगों को जिनको आराम पड़े हैं वे हाथ उठाएं, अपने दोनों हाथ उठाएं जिनको आराम पड़े हैं शनिधाम से, ऐसे दोनों हाथ उठाने हैं जिनको आराम पड़े हैं शनिधाम से। देख लीजिए कितने लोग हैं जो हाथ उठाते हैं, ऐसा दुनिया में श्रेष्ठता से कहीं देखने में नहीं। हाँ, मुझे ये बताइए दूसरी बार वाले कौन कौन लोग हैं, जो दूसरी बार वाले हैं इनका 300 रुपये का उतारा होगा, हाथ उठा के, इनका 300 रुपये का उतारा होगा, अपने खुले 300 रुपये वो हाथ में रखें और अपना उतारा करवाएं। इसके अलावा सबका आधा आधा किलो सामग्री का वो कैंटीन से लेके आए, उतारा होगा और मैं आपका बाहर बैठ के हवन करूंगा, आपसे प्रार्थना कराऊंगा, और फिर उसमें आपके दर्द, आपके घर की चीज़ें शनिधाम में आ जाएंगी। चलिए एक एक करके बाहर चले जाएं, सब धीरे धीरे बाहर बैठें, कुर्सियाँ ग्रहण करें और अपना उतारा करवाएं हर तरह से। जय शनिदेव, जय शनिदेव।